नमस्कार, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़ी खबरें। वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार को करारी शिकस्त देने के लिए देश भर में विरोधी दलों का 1:1 फाइट पर चल रहा है मंथन। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार भी इस मंथन में अपनी दिलचस्पी ले रही है। मंगलवार को राज्य सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग नवान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बैठक की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अरविंद केजरीवाल एवं भगवंत मान का जमकर स्वागत किया। पश्चिम बंगाल में एक और अवैध पटाखा बनाने के कारखानों के खिलाफ राज्य सरकार कड़ी मुहिम चला रही है, तो दूसरी तरफ पटाखा कारखानों में हो रहे विस्फोट में लोगों के मरने का सिलसिला जारी है। पूर्व मेदिनीपुर जिले में 9 लोग, दक्षिण 24 परगना जिले में 3 लोग एवं मालदा जिले में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी पिछले एक सप्ताह में राज्य भर में 16 लोगों की मौत अवैध पटाखा कारखानों में हुए विस्फोट के कारण हुई है। पश्चिम बंगाल में शिक्षक नियुक्ति को लेकर हुए घोटाले के विरोध में सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करती दिखी बीजेपी की शिक्षक सेल। बीजेपी शिक्षक सेल की ओर से मंगलवार को कोलकाता के करुणामयी बस स्टैंड से लेकर विकास भवन अभियान चलाया गया, परंतु बीच में ही पुलिस ने इन्हें रोक कर हिरासत में ले लिया। इस दौरान बीजेपी शिक्षक सेल के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की धक्का मुक्की भी हुई। पश्चिम बंगाल में विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार पर एक के बाद एक हमला करते दिख रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, नियुक्ति घोटाला, कोयला घोटाला की जांच प्रक्रिया को रोकने और विरोधी दल के नेताओं को जेल में डालने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने अब तक 330 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये रुपए विभिन्न समय में तृणमूल कांग्रेस ने लॉटरी के माध्यम से प्राप्त की है। ये सनसनीखेज आरोप विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तृणमूल कांग्रेस पर लगाए। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फिर बीएसएफ ने विशेष अभियान चलाकर एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बागदा में बीएसएफ के जवानों ने विशेष अभियान चलाया और सोने की तस्करी कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 6 सोने के बिस्किट बरामद किए गए, जिसका बाजार मूल्य 71 लाख रुपए से अधिक बताया गया है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए पब्लिक टाइम्स, योर वॉइस, आवर मिशन। नमस्कार। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।